हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेगालिथिक साइट्स के बारे में, जो काफी बार हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछी जाती है, हिस्ट्री ऑप्शनल मैप्स में। सिंस अभी प्रीलिम्स काफी दूर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा आप ऑप्शनल पढ़ लें, क्योंकि स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल में काफी कुछ आ जाता है, राइट? तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है एंड मोमेंट पे, तो बेटर है कि पहले ही उसे थोड़ा सा देख लिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेगालिथिक साइट्स हैं। आई होप आपको मेगालिथिक साइट्स के बारे में पता होगा। नहीं पता तो मेरा लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, बिगिन करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना मैप उठाएं, साथ साथ मार्क करते जाएं साइट्स, क्योंकि आई थिंक ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है स्टूडेंट्स के साथ, बेस्ट तरीका वो यही है कि वो भी साथ साथ पढ़ें और मैं भी साथ साथ आपको बताता जाऊं। अदरवाइज मैं आपको सीधे मैप दे दूंगा, तो उसमें ये इशू होता है कि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या मार्क करें, कहाँ पे मार्क करें, कैसे मार्क करें, ठीक है? तो वो इशूज हटाने के लिए हम ट्राई करेंगे कि आपको सीधे मैप दे दिया जाए, ठीक है? तो मेगालिथिक साइट्स हैं, कुछ कुछ साइट्स न्योलिथिक और चालकोलिथिक और मेसोलिथिक, पैलेलिथिक उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है? तो वो उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, ठीक है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये मेगालिथिक साइट्स। एक चीज देखिए, याद रखिए कि मेगालिथिक साइट्स पेनिनसुलर इंडिया में होती है, नॉर्थ इंडिया में नहीं होती, ठीक है? हाँ, कुछ जगह पे बुर्जाहोम दे रखा है, लेकिन बुर्जाहोम मेगालिथिक साइट्स आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, बाकी डिस्कवरीज होंगी वो ही बताएंगे। अदरवाइज यूपीएससी का बुर्जाहोम मेगालिथिक साइट पूछने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है। बुर्जाहोम जो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, बुर्जाहोम जो यहाँ पर लोकेटेड है वो थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं इसे यहाँ पर, ठीक है? बुर्जाहोम यहाँ पर लोकेटेड है श्रीनगर के पास नॉर्थ ईस्ट में, ये जो है न्योलिथिक साइट है। मेगालिथिक साइट आपसे नहीं पूछा जाएगा, 99% नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो मेगालिथिक न्योलिथिक दोनों लिखा होगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। तो मैं मेगालिथिक साइट्स में उसको इंक्लूड कर ही दे रहा। यहाँ पर मेरा पर्पस नहीं है कि पूरी दुनिया की मेगालिथिक साइट्स आपको बता दूं, मेरा पर्पस वो है जो एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं आपको थोड़ी मेगालिथिक साइट्स बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट ज्यादातर नहीं होंगी। पहली साइट जो मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा वो ऊपर है। देखिए, यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया में मध्य प्रदेश में तीन साइट्स आती है काफी इंपॉर्टेंट, जैसे नायकुंड है, के बाद एक है धनोरा, फिर है एक जूना पानी। इन तीनों में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जूना पानी है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? जूना पानी है, ठीक है? तो जूना पानी आप अगर सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, मैं इसमें लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा, अगर आप सीधे स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करें, तो उसके राइट में वो साइट पड़ेगी। और थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई अगर मैं बताना चाहूँ तो ये वाला पॉइंट है, इससे नीचे पड़ेगी। देखिए, हर साइट में आपको थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो जो मैं साइट बता रहा हूँ उसमें आपको थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी। ये पहली साइट है हमारी, और ये पहली साइट जो है ये है जूना पानी, क्योंकि ये जो है जूना पानी काफी बार पूछी गई है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही नायकुंड है, इसके राइट में ही धनोरा है, लेकिन मैं वो आपको फोकस नहीं करा रहा क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती। फिर सेकंड साइट देखते हैं, सेकंड साइट कौन सी है? आपको मैं और सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन देखना वीडियो का, उसमें और जो डिटेल्स होंगी मैं वहां पर लिख दूंगा, और अगर कुछ डाउनलोड होगा वो सब वहां पर अवेलेबल होगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना इस वीडियो का। ये टू है साइट, देखिए कहने को तो अमरावती भी है, ठीक है, और काफी जगह दे भी रखा है, लेकिन जो साइट एग्जाम्स में आती है, जो पूछी जाती है, वो है कौन सी साइट होगी? क्या लगता है आपको? एन से नाम स्टार्ट होता है, काफी पॉपुलर साइट है, नागार्जुनकोंडा, ठीक है, नागार्जुनकोंडा साइट है सेकंड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अगर पूछी जाए तो ये आंसर होगा नागार्जुनकोंडा साइट, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए थोड़ा यहाँ पर आ रही है, और अगर थोड़ा सा राइट में भी आ रही है ना तो भी नागार्जुनकोंडा मार्क कर दो यहाँ पर भी अगर आ रही है, क्योंकि नागार्जुनकोंडा जो है वो देखिए साइट्स का क्या हुआ है, ये साइट्स बिखर गई हैं, इधर उधर हो गई हैं, अब तो इसके ऊपर डैम ही बन गया है, ठीक है, पूरा नागार्जुन सागर डैम ही इसके ऊपर बना हुआ है, कृष्णा रिवर का आपको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो थोड़ी साइट्स इधर उधर हो जाती हैं, तो यूपीएससी भी थोड़ा इधर उधर करता रहता है, ठीक है? अगर थोड़ा इधर उधर हो रहा है नागार्जुनकोंडा मार्क कर देना। अब आपको अमरावती मार्क करना है तो वो आपके है, ठीक है, अमरावती भी आसपास ही है, दोनों का डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, राइट, अमरावती मार्क करना है, अब वो आप डिसीजन ले लो। मेरा सजेशन ये है कि नागार्जुनकोंडा आप मार्क करके आए, क्योंकि वो ज्यादा प्रोमिनेंट साइट है। अब इसके बाद आते हैं एक और इम्पोर्टेंट साइट पे, बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, और ये साइट है यहाँ पर लोकेटेड है। देखिए अगेन यहाँ पर काफी सारी साइट्स आपको मिलेंगी, लेकिन ये वाली साइट जो है थोड़ी सी यहाँ लोकेटेड है, क्या लगता है कौन सी होगी? थोड़ा सा इसके ना राइट लेफ्ट में आएगी, थोड़ा सा अगर आप ये तीसरे नंबर पर है, क्या लगता है कौन सी साइट होगी? अशोकन साइट भी है, अशोकन रॉक एरिक साइट भी, ये है मस्की, मस्की, ठीक है। इनके डिस्ट्रिक्ट जो है कमेंट सेक्शन में आप लिखें, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन आप देखना, वहां पर मैंने डाउनलोड दे रखा होगा, वहां से डाउनलोड कर लेना चीजें, ठीक है, जो भी होगी। तो
तीसरी कौन सी हो गई, मस्की हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आसपास अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी साइट्स हैं जिनका नाम हीरे बिनाकाल है, ये है वो है, मैं आपको वो पढ़ा ही नहीं रहा क्योंकि पूछ ही नहीं जाएंगी। और गलत क्या होता है, पढ़ाने में इशू क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको थ्री बना दिया, एग्जाम्स में आप गए, ठीक है, एग्जाम में आप गए और आप सोचते रहोगे ये मस्की है या हीरे बिनाकाल है क्या है, तो वो इससे अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करो, सीधे मार्क करके आओ मस्की और मार्क्स ले लो। नहीं भी होगा तो भी आपको ज्यादा मार्क्स नहीं काटेगा क्योंकि आसपास ही है ना सारी साइट्स। अब हम नेक्स्ट साइट पे आते हैं जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट ये है, यहाँ पर क्या लगता है कौन सी होगी, फोर नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हल्लूर, ठीक है, ये हल्लूर वेरी इंपॉर्टेंट साइट, वेरी प्रोमिनेंट साइट, तो याद रखना आप यहाँ पर है आपकी हल्लूर साइट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के थोड़ा सा आप राइट में जाएंगे और मस्की के थोड़ा सा ऊपर, इसी के थोड़ा राइट में मस्की के ऊपर, यहाँ पर आसपास फाइव नंबर पे ये है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसे, पलावॉय। पलावॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी बता दी कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होगी। अगर आपको अपने मैक में नहीं भी मार्क करना पलावॉय चलेगा, चलेगा, ठीक है, इतना मतलब वो सब हमें नहीं होना कि काफी ज्यादा कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं और वो पता नहीं ज्यादा साइट्स कर लेते हैं और एग्जाम में एक भी मार्क करके नहीं आते क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है ना। अब एक साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सबसे पहले ही दिखाना चाह रहा था क्योंकि वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, एग्जाम में ये वाली साइट बहुत पूछी जाती है, ये आपको दिखेगी आपके उसमें भी दिख जाएगी, आपको किसमें बुक्स आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगी, ये आपको उपिंदर सिंह में भी दिख जाएगी, ये वाली साइट है यहाँ पर लोकेटेड है, इसके थोड़ा नीचे ये जो है ना, कौन सी जगह क्या लगता है कौन सी जगह होगी, बड़ी पॉपुलर सिटी है। एनीवेज मैं वो आप पे छोड़ देता हूँ, आप थोड़ा आइडेंटिफाई करें। सिक्स नंबर देखते हैं, सिक्स नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट साइट, दो नाम है इसके, टी नरसीपुर, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए टी नरसीपुर मस्की पे मार्क कर दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, इससे इंपॉर्टेंट साइट एक ही है जो मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा, ठीक है। छह तो ये हो गई, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई, ठीक है। अब वो एक और इंपॉर्टेंट साइट ले लेते हैं जो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए इसी के पास में ही है, इसी के पास में ही है, वो आपको दिखेगी इसी के पास में, लेकिन ये जो सिटी जो मैंने आपको बताया था इसी थोड़ा लेफ्ट में यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप अपने मैप में मार्क कर रहे हो, ये सेवन नंबर पे ये है पेयमपल्ली, पेयमपल्ली अगर आपको नहीं लिखनी चलेगा क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है ना जो मैं इतनी देर से समझा ही रहा हूं। अब एक और साइड देख लेते हैं यहाँ पर, ये थोड़ी सी जैन साइट है, जैन साइट है, ऐसे मल्टीपल तरीके से याद रखोगे याद हो जाएगा सब कुछ, सीता नवस्थल, लेकिन मेगालिथिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेगालिथिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा जैन साइट करके पूछ ली जाती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो नौ नंबर पर है, मेरे को वैसे शायद ये सबसे पहले बता देनी चाहिए थी, क्या लगता है आप सबको पता होगा ये, इसका डिस्ट्रिक्ट भी याद होना चाहिए इन सब चीजों का, तो ऐसे नाम है इसका, काफी लोग लिख के आते हैं इसे अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम है नहीं है, ये है अदी चन्नल्लूर, वेरी इंपॉर्टेंट साइट। अगर आपको मैं बोलूं एक साइड याद करके आओ मेघालिथिक की, तो अदी चन्नल्लूर याद कर लेना, यूपीएससी हर दो साल में एक दो साल में पूछ लेता है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी साइट है, ठीक है, अदी चन्नल्लूर, राइट। अब हमने ये मैंने साइट्स बता दी, मैं एक तो आपको लास्ट साइट बताना चाहता हूँ, लास्ट साइट फॉर टुडेज लेक्चर, लास्ट साइट वो इन दोनों के बीच में आती है, सिंस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको ये बताता भी नहीं, लेकिन काफी बार ये इंपॉर्टेंट, ये भी आंसर निकल भी सकता है, तो इसलिए बताना जरूरी है। दस नंबर पे एक आती है बड़ी इंपॉर्टेंट साइट, दिस इज कॉल्ड एज ब्रह्मागिरी, ब्रह्मा, ब्रह्मा जैसे गॉड का नेम है, ब्रह्मा लिखना फिर गिरी लिख देना, तो ये दस साइट्स हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, मेरे हिसाब से आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। मैप देखिए थोड़ा ऊपर नीचे, मेरा कहने का मतलब ये जो इसका साइज है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे आप ज्यादा वरी मत होना, इसकी कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ब्रह्मागिरी आप एक बार उसमें भी चेक कर सकते हैं, आपको ब्रह्मागिरी और मस्की दिख जाएंगी। देखिए मस्की जो है कैसे आइडेंटिफाई करें, मस्की थोड़ा सा इसके नीचे आ जाती है, ये जो लाइन है ना इसके नीचे बिल्कुल अगर है तो मस्की है, ठीक है, इसके नीचे तो मस्की, देखिए अगर कोस्ट लाइन के साथ है जैसे टू पर तो नागार्जुन कुंड है, तो मस्की आप देख रहे हो ये इस नंबर पे, मैं थोड़ा पेन ले लूं लेजर पेन हाईलाइट करने के लिए, देखिए ये मस्की, ठीक है, ये तो मस्की, ये मस्की हो गया, ये नागार्जुन कुंडा हो गया, राइट। अब पलावॉय भी साइट है,
और मस्की भी हो सकता है, अगर आपको डाउट हो रहा है मस्की है पला हुआ है, आंसर क्या मार्क क्या हो गया, मस्की। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब उसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको ऑप्शन मिल रहा है 10, मतलब थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो ब्रह्मगिरी मार्क कर देना। लेकिन ये याद रखना, अगर ये जो लाइन है इसके लेफ्ट में साइट आ रही है, देखिए अगर ये जो लाइन है ना सीधे इसके थोड़ा सा लेफ्ट में अगर कोई साइट आ रही है, ये यहाँ से आप लाइन बनाना, ये 6 नंबर पे जो है ना इसके थोड़ा लेफ्ट में भी हो सकती है, कभी कभी लेफ्ट में भी दे देता है, तो आपको मार्क करना है टी नरसिंहपुर। हल्लूर देखिए थोड़ा ऊपर है, हल्लूर थोड़ा ऊपर है, ये एक सिटी है जो सिटी का नाम आप ही बताओगे, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे टी नरसिंहपुर है, उसके ऊपर हल्लूर है, ऐसे आप याद रखें थोड़ा, तो थोड़ा आई थिंक क्लियर रहेगा, है ना। आई होप आपकी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी हूँ। देखिए कौन कौन सी आपको मैं फिर से बता दूँ, जूना पानी भी भूल जाओ मत, याद रखो। देखिए जूना पानी आप शायद भूलो ना, एक ही तो साइट है यहाँ, धनोरा और वो सबको तो भूल जाओ, वो सब नहीं आती आपने। जूना पानी और ताकई घाट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं उनको बता दिया। जूना पानी हो गई इंपॉर्टेंट, नागार्जुन कोंडा इंपॉर्टेंट हो गई, मस्की इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, इसके बाद हल्लूर इंपॉर्टेंट हो गई, पलावा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, टी नरसिंहपुर वेरी इंपॉर्टेंट, पेमपली इंपॉर्टेंट नहीं है, सीता नवस्थल वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन जैन साइड पूछी जाती है, अर्थी चन्नालूर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ स्टार मार्क कर दो इसे, भूलना मत, अतिरम पक्कम मत याद कर लिख के आ जाना, ठीक है, अतिरम पक्कम मत लिख के आना, अतिरम पक्कम कहीं और है, कहाँ पर है, चेन्नई के पास, ब्रह्मागिरी कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये साइट्स हैं, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, एंड प्लीज हेल्प मी इन प्रमोटिंग SYE Academy, और आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें, वो मैं आपका डाउट दूर कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।